हेलो गाइस, आप सभी का बालक की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है पालक की कढ़ी बनाना, तो आइए बनाते हैं पालक की कढ़ी। पालक की कढ़ी बनाने के लिए ये हमने लस्सी ली है और ये हमने 500 ग्राम पालक लिया है। इसको धो के हमने बारीक कट कर लिया है। एक अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 हमने हरी मिर्च को चॉपर में चॉप कर ली है। तो आइए बनाते हैं पालक की कढ़ी। ये मैंने एक कढ़ाई ली है। अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल को गर्म होने देती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हींग डाल दूंगी, साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच मेथी दाना डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर ये अदरक और हरी मिर्च डाल दूंगी जो चॉपर में चॉप किया हुआ है मैंने। गैस का फ्लेम मैंने स्लो भी रखा हुआ है। अब इसमें आधा छोटा स्पून में हल्दी पाउडर डालूंगी। ये हमारा अच्छे से भून चुका है। अब ये मैंने 500 ग्राम पालक ली है, इसको बारीक कटा हुआ कट कर लिया है। अब मैं इसमें से आधी पालक को डाल दूंगी और आधी को मैंने बचा लिया है पकौड़ों के लिए। इसे अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। जब तक ये हमारी पालक भुनती है तब तक मैं इस लस्सी के अंदर बेसन डालूंगी। ये मैंने 1 सर्विंग स्पून डाला है और ये मैंने 2 सर्विंग स्पून बेसन डाला है। साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल रही हूँ। आधी चम्मच मैंने पालक में डाली है। ये मैं बीट कर लूंगी। और ये हमारे अच्छे से बेसन भून हो चुका है लस्सी के अंदर। और ये हमारा अच्छे से बिल्कुल बीट हो गया है। ये पालक भून चुका है। अब मैं इसके अंदर ये बेसन का घोल डाल दूंगी। और साथ ही मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल रही हूं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं। कढ़ी हम बिना प्याज लहसुन के और इसे मैं उबाल आने तक हम इंतजार करेंगे। जब और कढ़ी में अभी मैंने नमक नहीं डाला है, उबाल आएगा उसके बाद हम नमक डालेंगे। अब मैं ये बची हुई पालक को इस बाउल के अंदर डालूंगी। अब मैं इसके अंदर बेसन डालूंगी। मैंने यहाँ बेसन 3 सर्विंग स्पून डाले हैं। साथ ही मैं इसमें आधा छोटा स्पून में हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1 छोटा स्पून में इसमें लाल मिर्ची पाउडर। और ये मैंने 1 चम्मच साबुत धनिया लिया है, इसको मैं हाथ से क्रश करूंगी और ये भी इसी में डाल दूंगी। और 1 चम्मच में इसमें जीरा डाल रही हूँ और इसके अंदर 1 चम्मच में नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और अब ये मैंने 1 कप लस्सी ली है और इसका पेस्ट मैं लस्सी से बनाऊंगी पकौड़े का। और ये हमारा पकौड़े का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। हमारी लस्सी 1/2 कप यूज हुई है और 1/2 कप बच गई है। और इधर हमारा ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये हमारी कढ़ी में उबाल आ चुका है। अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी कढ़ी में। ये मैंने इसमें 2 स्पून नमक डाला है, आप अपने स्वाद अनुसार इसमें नमक डालना। इस पालक को मैंने थोड़ा सा
बीट लिया है हाथ की मदद से और ये भी गरम हो चुका है। अब मैं इसमें कोड़े छोड़ूंगी। हमारे पकौड़े देखो कितने अच्छे से बन रहे हैं और इन्हें मैं अभी ब्राउन होने तक थोड़ा सा पकने दूंगी। ये हमारी पकौड़ी अच्छे से पककर तैयार हो चुकी हैं और ये फूल के भी देखो कितनी सॉफ्ट हो गई हैं। ये हमने जो लस्सी डाली है उसके कारण ही है सॉफ्ट फूल के। आप चाहे लस्सी ना हो तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं सारी पकौड़ी बनाकर तैयार कर लूंगी। और इधर हमारी कढ़ी भी खूब पक चुकी है, इसे मैं और पकने दूंगी। जितनी हम कढ़ी अच्छे से पकाएंगे उतनी ही बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी कढ़ी। ये हमारी पकौड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं, इन्हें भी मैं प्लेट के अंदर निकाल लूंगी। हमारी कढ़ी को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और अब मैं इसके अंदर ये पकौड़ियाँ डाल दूंगी। देखो कितनी सॉफ्ट हमारी पकौड़ी बनी है। और इसे मैं फिर से पकने दूंगी। ये मैंने एक छोटा सॉस पैन लिया है और इसमें मैं 1 बड़ा सर्विंग स्पून में देसी घी डाल रही हूँ। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें चुटकी भर फिर से हींग डालूंगी। साथ ही ये 2 लाल मिर्ची डालूंगी सूखी और 1/2 चम्मच मैं इसमें जीरा डालूंगी। और साथ ही मैं इसमें ये 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च डाल रही हूँ और इसे मिक्स कर लूंगी मैं। अब मैं कढ़ी वाली गैस को बंद कर दूंगी और ये तड़का इसमें डाल दूंगी। मैंने इसमें लाल मिर्च का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ देगी मिर्च का प्रयोग किया है क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, वो हरी मिर्च हमारी तीखी थी। हमारी कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है, देखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है कढ़ी हमारी। और कढ़ी को मैं 1 बाउल के अंदर सर्व करूंगी। और ये हमारी पालक की कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।